आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप इंस्ट्रूमेंट से लेवल को शिफ्ट करेंगे एक आरएल से दूसरा कोई भी ऑब्जेक्ट में, नहीं तो आपका नीचे कोई बेंचमार्क होगा उसके ऊपर भी आप लेवल शिफ्ट कर सकते। तो एक लेवल मेरा है बेंचमार्क, उसमें मशीन सेट करूँगा लेवल, फिर दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करेंगे। तो आपका मर्ज़ी, आप किधर से भी लेवल मशीन में सेट करके फिर शिफ्ट कैसे करेंगे वो मैं इस वीडियो में दिखाऊँगा। चलिए F1 प्रेस करेंगे OBS, नहीं तो एस्केप। कोऑर्डिनेट में जाना है, F4 प्रेस कर दिया। OCC ओरिएंटेशन में जाके एंटर करके पहले आपको एलिवेशन में जाके लेवल सेट करना है। तो लेवल मेरा सेट कर लिया, पुराना वीडियो में आप भी सेट कर सकते हैं इसी प्रोसेस में। तो ऑब्जर्वेशन में जाएंगे, जाके फिर मेजर करके लेवल सही है क्या चेक कर लेंगे। तो हमारा वो बेंचमार्क का RL जो है 100 है, तो लेवल बराबर है। अभी इस लेवल को मैं दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करूँगा। अगर 100 ही आप ट्रांसफ़र करेंगे तो भी हो जाएगा, अगर दूसरा कुछ जगह का लेवल चेक करना है तो भी चेक कर सकते हैं। मैं शिफ्ट करके और एक जगह पे मैं लेके जाके छोड़ दूंगा, क्योंकि इस जगह से मेरा जितना एरिया काम होना था हो गया। फिर आगे एक जगह पे शिफ्ट करूंगा, फिर उधर से लेवल का काम करने के लिए मैं शिफ्ट करूंगा। सिंपल मैं उस जगह पे टारगेट कर देता हूँ। तो इधर का लेवल मेरे को पता नहीं था, तो मार्कर से मैं मार्क कर लिया, उसके बाद टारगेट कर लिया। ठीक है, फिर देखिए टारगेट हमारा हो गया, टारगेट हो गया। फिर मेजर करेंगे F4, तो उधर का लेवल देखिए चेंज हो गया 99.833। तो हमारा लेवल शिफ्ट हो गया। तो ये रजिस्टर में लिख दीजिए, तो रजिस्टर में नोट कर लीजिए आप, वो स्टेशन का लेवल है 99.833 सेकेंड पॉइंट का, मतलब जो भी मेरा बेंचमार्क है उसमें मैं शिफ्ट किया तो उसका लेवल इतना आ रहा है। बाकी आगे जब काम करेंगे फिर सेम प्रोसेस, अब OCC ओरिएंटेशन में जाएंगे, फिर रिसेक्शन में, फिर एलिवेशन में जाके फिर उधर सेट करेंगे। सेट करने के बाद इधर डालेंगे उसका RL, डालने के बाद कैलकुलेशन ओके, फिर बैक आके ऑब्जर्वेशन में जब चेक करेंगे तब वो लेवल सेट हो जाएगा 99.834। तो